बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में जियोमेंसी चार्ट ज़ायचा इल्मे रमल पे बात करना चाहता हूँ। इल्मे रमल क्या है, इल्मे रमल की इफादियत, गर्ज़ो गायत और पस मंज़र क्या है, इस पे मेरा एक पुराना वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप क्लिक करके वो वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं। बहुत से बहन भाई मेरे ईमेल पे रابطہ करते हैं, सर दस्त मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप 1 से 96 तक कोई से भी 4 नंबर मुझे भेजिए ताकि मैं आपका ज़ायचा रमल बना दूँ और उससे देख लूँ बुनियादी तौर पे कि आप किन मसाइल का शिकार हैं या क्या वाकयातन आप पे जादू है या नहीं है। अब होता यह है कि बाज़ ज़ायचे मेरे सामने ऐसे आए जो इल्मे रमल में बंद ज़ायचे कहलाते हैं, यानी जहां ज़ायचा रमल बनाया जाए और खाना मीज़ान में शक्ल जमात बरामद हो और वो ज़ायचा इल्मे रमल की ज़बान में बंद ज़ायचा कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं बंद ज़ायचे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक मिसाली ज़ायचा आपके सामने है। एक साहिल ने मुझसे सवाल किया कि क्या मुझ पे जादू है या नहीं और आप रूहानी तौर पे मेरा मसला हल कर सकते हैं या नहीं। तो 4 हिंसे उन्होंने मुझे बताए, 22, 76, 9 और 43। अब 22 की जो शक्ल इल्मे रमल में है वो इज्तिमा है, 76 की शक्ल नुसरतु दाखिल है, 9 की शक्ल उकला है और 43 की शक्ल फराह या जौदला जिसे कहते हैं है। अब इन चारों अशकाल से जो ज़ायचा रमल तैयार हुआ उस ज़ायचे में ये ज़ायचा बंद हो गया। अब बंद ज़ायचे के मुतालिक माहिरीन इल्म रमल ये कहते हैं कि अगर खाने मीज़ान में जमात आ जाए तो ज़ायचा बंद है और बंद शुदा ज़ायचे से अक्सर उलमाए रमल किसी किस्म का हुक्म नहीं लगाते, मना करते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि बंद ज़ायचे के अहकाम दुरुस्त नहीं होते। लेकिन उलमाए अरब की तहकीक ये बताती है और पाकिस्तान में भी ऐसे काबिल रमाल मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कुतब में ये लिखा है कि बंद ज़ायचे के अहकाम दुरुस्त होते हैं, बल्कि 200% दुरुस्त होते हैं। मैं यहाँ इल्मे रमल सिखा नहीं रहा और ना इल्मे रमल के खानाजात और उनके अवामिर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं एक मिसाली ज़ायचा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो ज़ायचा बंद है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ायचे का जो असल घर मीज़ान है, जो बंद ज़ायचा है, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। जब भी ज़ायचा बंद होता है इल्मे रमल में तो वो 3 कैफियात से खाली नहीं होता। पहली कैफियत यह है कि शदीद किस्म का जादू हो सकता है। दूसरी कैफियत यह है कि जिन्नात का असर हो सकता है। और तीसरी कैफियत यह है कि रुजात हुई है, यानी बैकफायर, अमलियात उल्टे पड़ गए, आपने ऊट पटांग किस्म के अमल किए, वज़ाइफ किए, कुचिल्ला कशी की, या किसी अनाड़ी को आपने अपने घर बुलाया या किसी से तावीज़ात लिए जिसके नतीजे में रजात हो गई। जैसा कि मैं अपने सबका वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि जब आप सर से गोश्त और सिरियें वार के फेंकते हैं तब भी रिजत होती है, ज़ायचा बंद हो जाएगा। जिन्नात आसेब आपके दुश्मन हैं, आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तब भी ज़ायचा बंद हो जाएगा। अगर आप गलत किस्म की धुनिया इस्तेमाल करेंगे जिन पे पाक असमा लिखे होंगे, ज़ायचा बंद हो जाएगा। तो बंद ज़ायचा के मुतालिक मैं खुद अपने बारे में बता दूँ कि पहले मैं किसी किस्म के आमाल नहीं किया करता था। अगर मैंने किसी साहिल का बंद ज़ायचा देखा, उसका ज़ायचा बनाया, ज़ायचा बंद हुआ, मैं हाथ खड़े कर देता था कि जनाब ये मेरे बस की बात नहीं, आप तशरीफ़ ले जाएं। कम अज़ कम 90 दिन का टाइम देता था कि आप 90 दिन रुकिए, 90 दिनों के बाद फिर दोबारा आइएगा और फिर आपका दोबारा ज़ायचा बनाएंगे। उन 90 अयाम में मैं उन्हें रूहानी नसीहत वसीयत कर देता था कि आपने 90 अयाम में ये करना है। लेकिन फिर मैंने तजर्बात से बहुत कुछ सीखा
और अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा, तो ये बात मेरे इल्म में आई कि बन जायचे का हुक्म लगा देना चाहिए और फौरी तौर पे उनकी दुरुस्त रहनुमाई कर दी जानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपको हर बला आफत से महफूज व मामून रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।